राधे राधे भैया बहनी है बाबा की चुगली में तुम्हारे सब जने का स्वागत है। ये जो अंगूठा दिखा था ना तुम्हें, ये दबा के वीडियो का लाइक कर लिया। ये जो लाल लाल बटन दिखाते, ये दबा के चैनल का सब्सक्राइब कर लिया। आई अंते सब जने का शेयर कर दिया। चला फिर भैया बहनी हरा, आज का वीडियो शुरू करी। चला छठ पूजा की खरीदारी तो हुई के, अब बचा घर के साफ सफाई, ये पूजा का सामान। तो पूजा का सामान मैं रिंकी के पापा से मंगवा ले हाँ। होएगा, पर कौन साड़ी पहनो पता नहीं चलता। ये वाली पहनो की हुआ वाली कटिहार वाली, बड़ा सामान उमान धरे बैठी। अरे तुर्रा वाली जीजी, तुम भले आ गया, आवा आवा बैठा तुम्हें दिखाऊं। हाँ दिखाती है, बड़ा साड़ी वाड़ी रखे है, लागत है शॉपिंग करके आई है। हाँ जीजी, छठ पूजा आवती ना, तो वही की खरीददारी आ करे हूँ। हमें जिला कहती ना, ये छठ पूजा का बहुत महत्व, बड़ी धूमधाम से तैयारी की जाती 10 दिन पहले से। अये कहती नहीं को ज्यादा ये कब बनावत आये, तुम को थोड़ी थारा तो करियन ले, आखिर हमारे यहाँ के रीति आये। हाँ ओरी, छठ पूजा का सुने तो बहुत महू, पर हमारे यहाँ कहाँ को ज्यादा मनावत है, ये पूजा का सतकीन जाती महू का बता थी कटिहार वाली। अरे गुहार जीजी, तुम्हें तो सब कुछ पता रहा था, छठ पूजा नहीं पता है का सतकीन जाती, ये की बहुत बड़ी कहानी है, बड़ा महत्व है, हमारे कहती बहुत मानत थी ये त्योहार का। आई ओरी बता दे ना भाव का, हमारे इतनी ज्यादा मड़ाई बनावत है तो नहीं आ पता। रखा जीजी बताऊं तुम्हें, एक समय की बात यार, एक था दाई रहा करे, वही के एक लड़का रहा है पुताऊ रहा है। वो दाई बड़े धार्मिक विचार वाली रहा है, पूजा पाठ वो इतने में ज्यादा रहा करे, हर साल छठ माता के पूजा करा करे। लेकिन वही के बहू ठहरी नए जवाने के मॉडर्न बहू, तो वही चीजन का नहीं माना करते है ना, पूजा ना पाठ, वैसे चीजन से मतलब नहीं रहा है। एक बार कहा भाजी जी, छठ पूजा क्या त्योहार रहा है, तो बूढ़ी दाई तैयारी करे, वही कलर को वही का हाथ बिठावे, बाजार से बढ़िया लकड़ी लावा, आमे के पूजा का सामान लावा। तो वही के बहू दिखीस तो हंसी उड़ावे लगा, पैसा आसो मड़ाई के, कहती दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए अम्मा, तुम हूँ का या अंधविश्वास माँ परी हो। लेकिन वो बुढ़िया तो ठहरी छठ माता के परम भक्त, वही का पाए बहू के ही बचनन का कोनो प्रभाव न पड़ा, वो तो मगन रहा है बस अपाए पूजा की तैयारी में। जैसा छठ पूजा की तैयारी में मगन रहा है, तो फिर बहू बोली, अम्मा देख लिया मैं अभी तुम्हें कहा क्यों, ये व्रत व्रत न रहा, ये अंधविश्वास आ, ये सब कुछ नहीं होता है, कौन भगवान कहा थी कि भूखे पिया से मरा उनके खातिर। तय फिर सास बोली, देख बहू तय नहीं मानती तो ना मान, लेकिन मैं मानती हूँ, ये जो उनका पति है ना, यहाँ छठ मैया क्या उपहार माँ मुँह मिला है, मो लड़का बच्चा नहीं होते रहे, जय लड़का बच्चा नहीं होते रहे, तय मैं छठ माता क्या व्रत की नहीं होता है, माता जाके मोह सुनी नहीं समझे। हाँ तो कटहार वाली, देव देवतन का माना तो कहने पूरी करती है, बतावा दे दी लड़का अदाई का। हाँ जी जी, तो अदाई कहीज भी अपने बहू का कि तहु बहू रख ले, छठ मैया तोरो गोद भर दिया है, पर वो ठहरी नए जमाने को का मुँह नहीं भूखन मरे का है। केवल सास के बात ना मानिस, तय फिर वही का पति समझाओ शुरू करिस, कहीं देख जानो देवी देवतन खातिर इतना अहंकार नहीं पाला जाता है अपने मन में, अगर हम उनका उपवास रखबे उनके पूजा पाठ रखबे तो हमें अच्छा से अच्छा वरदान दे है। तो फिर वह बहू बोली, देखा जी मुझे कोनो चीज की कमी नहीं है, इतना आलिशान बंगला है, इतना अच्छा परिवार है, इतना आराम से रहा तो मैं कहे का भूखन मरो मुँह नहीं रहा का। जय पति अघा, अगर समझाओ समझाओ, तय कैसे रहो चाहे ना रहो, मुझे कहा करे खे मैं तो जातो पूजा की तैयारी करें घर सजावें। तिया पर बला रही है रेवा कि अपने पति की बात नहीं मानी सी यार। हाँ जी जी, फिर आगे सुना। आगे कहा भा, वो लड़का लगाई मोर अम्मा अकेले इतनी तैयारी करी तो थक जाई, तो वह गाय के गोबर से घर का लीपे लाग, उत्ते में वही की मेहरिया आई, देखीस कि ये तो सगले हर गोबरे गोबर करे पर रहा है, तो वह सैंडल पहन के आई छप देवे का पाँव धरगा, खूब चिल्लान यह तुम्हारा कौन त्योहार आए कि पूरे घर में गोबरे गोबर कर दिया, गंधावती गोबर से। तो वही का पति बोला, देख ये गोबर के गंध नहीं कहा जाता है, ये मैं रसायन पदार्थ होती जो कि बहुत सारी बीमारी का दूर करा थी, तो वह और ज्यादा लड़े लगा पाए पति से, उत्ते में वही की सास आ गए। सास कहा, देख बहू तो बेकार में झगड़ा ना कर, नहा धो ले तैयार होके चल, पूजा का समय आ गया है अब। ये पति और सास दोनों जने बहुत कहीं तो तैयार होके उनके साथ चली गए पूजा घाट में। लेकिन कहा भा, जय वहाँ पहुँचे पूजा घाट में, तो सास अपन बैठ के सामान उमान जुआरें जुहा में लाग पूजा करें का, अब बहू हो गए गायब। जय पति देखिस कि अरे ये मुमहेरिया कहाँ चली गई, तो वह ढूंढे लाग पूरे बाजार में, वो कहा देखत है कि वह तो बढ़िया मेला करे थी, मिठाई के दुकान में मिठाई खाती, चाट पकौड़ी खाती। तो फिर समझावा लाग कि देख अगर तहाँ तक आईन गई है पूजा घाट में, तो थोड़ी देर अम्मा के लगे बैठ के पूजा पाठ कर ले तो आ कुछ बेघर ना जाई। तो वह फिर झुंझला के बोली, देखा मैं ये चीजन में विश्वास नहीं करती हूँ, मुँह नहीं पूजा करेगा, जाके तुम अपन महतारी पुत करा चाहे ना करा। है तो बड़ी जिद दिन। हाँ जी जी, फिर वो आगे सुना।
जब वो मेहरिया ना गे तो अघा अघा कह के हमारा ही सब सुनत रहा है। अब पूजा घाट आए हूँ, मेला जुहात हुए तो लगा इसको एक मोह लाके मैं जाऊँ है। वो अगा बढ़िया अपन कपड़ा उपड़ा उतारी से गंगा माँ डुबकी लगावे का कूद पड़ा। लेकिन का भा जैसे वो डुबकी लगाई वो भैया बूढ़ गा चिल्लाए लाग बचावा बचावा। मराई सुने तो अगल बगल पर को देखा है ना कि आखिर यह डूबा कहाँ है। महतारी सुनी दौड़त दौड़त गे वहाँ का ना देखा बेचारी खूब तेजी तेजी से रोने लाग। अब सीधे छठ माता से सवाल करने लाग कि हे छठ माता मैं जब से शादी भी 30 साल हो गए मैं आज तक तुम्हारा पूजा करूँ आखिर मुझे कौन सी गलती हो गई कि तुम मोह गोद सुनी कर दी ना माँ। तुम हूँ एक माता हूँ एक माँ का लाल नहीं छीन सकती या हूँ आखिर ऐसी कौन गलती भी मुझसे या फिर मोह लड़का से मुझे अपने सवालन का जवाब चाहिए माँ। खूब रावे जी जीवा खूब रावे कहा है छठी मैया अगर तुम मोह लाल न लौटी ना तो कसम से आ कहती हूँ यही तुम मूर कूट कूट के यही गंगा मम जान दे दे हूँ अपन तुम्हें मोह लाल लौटावे का परी छठी मैया लौटावा मोह लाल खूब गुहारी मार मार के रोवे वो बूढ़ी दाई। जयवा डूब गा तो खूब चिल्लाऊआ मच गा माइक से मड़े चिल्ला लाग कि गहरे पानी में ना जाया को गहरे पानी में ना जाया खतरा है एक लड़का आवे डूब गा हवे तो यहाँ वह मगन रही है जो जलेबी चाट खाए में वही के बहू वहाँ सुनिस वो दौड़त दौड़त गे जय दिखिस की आई मुँह सांस इतना तेजी से रोवे थी सबसे पूछी सांचिस तो पता चला कि वही का पतिया डूब गा हवे तो वह सदमे में आ गए खूब चिल्ला चिल्ला के रोवे लाग और पैसा का फिर से बुरा भला कहाँ लाग कहा मैं कहत रही हूँ कि ये छठवट की पूजा ना करा ये सब अंधविश्वास आए ढोंगा देख लिया तुम्हारी पूजा की वजह से आज मापति मुझसे हमेशा हमेशा खातिर दूर होगा। अगर तुम न लेवा लो क्या तो कहेगा हो तो मैं तो अवती नहीं रही हूँ पर तुम्हारे या तुम्हारे लड़का के कहे माया आई हूँ। वापा सास का तो खूब सुनौता है साथ माँ छठी मैया खूब खरी खटी सुनाओ थी यहाँ जो छठ उपासे वाले भक्त रहे उन सब जने बस छठ मैया से प्रार्थना करे ला कि हे छठ मैया तुम तो बड़ी दयालु हो तुम्हारा लीला अपरंपार है ये बुढ़िया दाई के लड़का का लौटा दया हे छठी मैया ये बुढ़िया दाई के लड़का का लौटा दया तुम है कटिहार वाली फिर का भा छठी मैया लौटाए नो लड़का। अरे जिज्जी पहले कहानी तो पूरी सुना तुम्हें खुद ही पता चल जाए। तो जिज्जी छठी मैया तो आ दयालु वो भला अपने भक्तन का कतो निराश कर सकती हैं उन्हें कतो दुख दे सकती हैं जय का भा वो बुढ़िया जान लाग वो गंगा माँ अपन जान दे उत्ते माँ खूब तेजी से लहर आई और लहर के साथ वो बुढ़िया का बेटा बाहर निकल आवा जहाँ इतना मड़ई दी तो खूब खुश हुई गा सबके आँखिन से खुशी के आंसू छलके लाग और वो बुढ़िया का तो खुशी का ठिकाने न रहा वो खूब जोर जोर से रोवे लाग और पत्नी दिखिस वही के कि अरे माँ पति बाहर आ गा तो वहाँ खुशी से झूमे लाग वही के आँखें से खुशी के आंसू बहे लाग। जय इतना सब चलत रहा है वो तीन देर खूब तेजी से बिजली के कड़कड़ाहट भे और वही बिजली के चमक माँ छठी मैया प्रकट भई और फिर वह बुढ़िया के बहू से बोली देख बिटिया मैं कहूँ का अहित नहीं चाह सकती हूँ मैं तोय आँखें से अज्ञानता का पर्दा हटाना चाहती रही हूँ यही खातिर मैं तोय पति का गंगा माँ डुबोए हूँ जौन भक्त मो अपने मन भक्ति से सेवा करी व्रत रही पूजा पाठ करी वही का मैं हमेशा अच्छा करी हूँ कतो कहूँ का बुरा नहीं करती हूँ या कलयुग के जमाने जौन भी भक्त अपने श्रद्धा भाव से पूरे मन से मोह भक्ति करी मैं वही के हर मनोकामना पूर्ण करी हूँ अयत्ता कही के छठी मैया अंतर ध्यान हो गई। अरे कटिहार वाली छठी मैया की कितनी बड़ी महिमा है वो तो कितनी दयालु है बतावा तो उनका लड़का लौटा दही। हाँ जी जी जस छठी मैया उनका लड़का लौटा ही इतना सबके मनोकामना पूर्ण करे। जी तुम यह कहानी सुनने के चक्कर में तो तुम मुझे बताओ ना भैया कि कौन वाली साड़ी पहनो मैं तो दुविधा में हूँ कि कौन वाली पहनो। मैं सही बताऊँ कटिहार वाली तेरे डिब्बा वाली साड़ी पहन यही कि तुम मैचिंग में चूड़ी हो मैं। हाँ जीजी मैं यह वाली पहनी हूँ। हाँ तो भैया बहनी है रहा सुने छठी मैया की कहानी मऊ का नहीं आज तक पता रहा है पर यह कटिहार वाली बताई से तो मैं जान गई हूँ। बोलो छठी मैया की जय। हाँ तो भैया बहनी है छठी मैया की कहानी अगर तुम्हें समझे आई हो तो छठी मैया का नाम लेके वीडियो का ठोक के लाइक कर लिया और चैनल का सब्सक्राइब कर लिया और हाँ भैया हरा शेयर करब तो बिल्कुल ना भूला और कमेंट में बताया कि कौन तरह की कहानी लागी तुम्हें।